इंदौर जिले के महू में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और थाना परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी नाराजगी जताई है। इस दौरान अपराधों को नियंत्रित करने के लिए SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक अंकित यादव के नेतृत्व में रविवार को हिंदूवादी संगठन RSS तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में महू थाने पहुंचकर थाने का घेराव कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस विभाग के ढीले रवैये, लाचार कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर SDM को मौखिक ज्ञापन दिया, जिसमें शहर में लगातार बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों से लेकर हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद और सभी सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में ये आंदोलन किया है, क्योंकि महू शहर के अंदर अपराध पर पुलिस प्रशासन का अंकुश बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे विषय यहाँ पर बताए गए, विषय कम से कम 25-30 विषय हैं, और सब चर्चा होने के बाद में अंतिम में प्रशासन में SDM महोदय ने ये बात बोली है कि हम इसकी और ध्यान रखेंगे और हम इस पर अंकुश लगाते हैं, और कुछ 5-6 दिन के अंदर उन्होंने बोला है कि इन सब विषयों पर विचार करके हम लोग पूरा एक आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देंगे। जो प्रतिनिधि मंडल के चर्चा में प्रशासन द्वारा कहा गया कि 8 दिन में समस्या का हल किया जा रहा, अगर फिर भी आपराधिक गतिविधियों का अंकुश नहीं लगता तो क्या कुछ आपका आगे तो ये तो सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोग आए थे ना, अब फिर सभी लोग आएंगे तो फिर तो प्रशासन को करना पड़ेगा ना। आगे नहीं, आगे की बात ही बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये कि सभी आएंगे। जो वो आपके कार्यकर्ताओं पे फर्जी FIR दर्ज करे थे, जिसका भी पुलिस प्रशासन को आपने नॉलेज में लाया है, उसके लिए क्या? नहीं, आवेदन भी दे चुके हैं पहले और उन्होंने कहा है कि हटा रहे हैं, हटाएंगे, और नहीं हटाएंगे तो फिर इससे बड़ा कुछ प्रदर्शन करेंगे। अभी आपको बताया, प्रदर्शन तो करेंगे बट ऑफिस अगर नहीं करेंगे। माना जाए कि प्रशासन अगर ठोस कार्रवाई नहीं करता तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, शहर बंद कराएंगे, फिर जो हमसे करते बनेगा वो हम करेंगे, फिर हमसे जो करते बनेगा वो करेंगे। आपका नाम? अंकित यादव, जिला संयोजक बजट। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।